सेठ जी आप हमसे थोड़ा आराम से बात कीजिए, ये ठीक नहीं है। बेवकूफ़ क्या हुआ पापा? देख ये टंटन जो है ये एकदम तेज धार वाली छुरी हो रखा है। अरे अपनी जबान से अपने मालिक को चार टुकड़े करना चाह रहे हैं ये। जीजा जी आप मेरे पापा से ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। हम अगर आपके नौकर हैं तो क्या हुआ? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? जब मन किया बेइज्जती कर दी। कौन है हम? फालतू आदमी है क्या? तमीज से बात करिए हमसे, इज्जत देना सीखिए। सेठ जी अब फंसेगा ये। तेरी भी इज्जत है, तू तो कलेक्टर का भांजा हो रखा है, बात कर रहा है बेकार की। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा बता रहे हो तुझे। सर्जन पंचम प्लीज। हैं? पहली बार में ही नाम सही ले लिया पंचम। एलाइची जी क्या करवा रही हैं यार आप हमसे? ओ भाई क्या हो गया तुझे, माता आ गई क्या? क्या बात है चीजा जी, वेल डन, कमाल कर दिया आपने, सो प्राउड। सही में एलाइची जी आपको लगता है? ओहो जीजा जी ये सब आपकी भलाई के लिए तो हो रहा है, अब देखना कल पापा खुद आपकी इज्जत में चार चांद टांगेंगे। सेमे लाइजी जी भगवान करे ये सच हो। ओहो ऑफ कोर्स लगता है, लेकिन जीजा जी नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना, वो क्या है ना मेरे पापा के ऊपर बर्तन वर्तन फेंक के मत मारना, उन्हें कहीं लग जाती तो। नहीं नहीं इलायची जी दरअसल क्या है हम आपको बताते हैं, हम ना उस समय गुलदस्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो जो उसमें फूल होता वो उनके मुंह पे मारते, और वो हमें दिखा नहीं तो हमें कढ़ाई दिखी तो हमने कढ़ाई ऐसे उठा ली बस मतलब डराने के लिए। कोई बात नहीं लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। और मेरे पापा के साथ कोई दुर्घटना घटी ना मतलब लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। Good boy. Good girl. अरे पंचम ना मुझे मत मार, मुझे मत मार, कढ़ाई फेंक दे ना। अरे अरे इलायची के पापा बर्तन बर्तन क्या हुआ? इलायची के पापा क्या हुआ? ठीक हो? देखा होगा, चलो सो जाओ अभी नींद टूट जाएगी, सबकी तो टूटी गई है। चलो पापा इतनी रात को कौन आया? अरे कहीं पंचम तो ना आए, आ जाए पापा यार एक सेकेंड। अरे अबे कसोटे तू इस वक्त यहाँ? सेठ जी मैं तो खिड़की के पास बैठ कर दारू पी रहा था, तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी तो मुझे लगा फूल सी सेठानी जी तुम्हारे ऊपर तो ना गिर पड़ी। ए वो पापा ने एक बुरा सपना देखा था और कुछ नहीं। कसोटे 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 तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तेरी बहुत जरूरत है मुझे।
क्या हो गया सेठ जी, खुल के बताओ। सबका छोटे वो जो पंचम है ना, वो मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। अरे हाँ, जो ज्यादती मुझे करनी चाहिए उस पे, उसका शिकार वो मुझे बना रहा है। अभी तक वो गूलर दे रही है, सुधराना अब तक कम बखत मारा। अरे ना ना, मेरे सामने खुल के आ गया। अब बता, मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने कड़ाई फेंक के मारी। सेठ जी, तुमने उसको उसी वक्त निकाल के बाहर कर देना चाहिए था कूलर खा के। ओए खसोटे, बकवास नहीं है क्या है? अरे यार, उसने ना कढ़ाई उठाई थी मम्मी यूं, फेंकी नहीं थी। और पापा, यार पता है पापा जैसे भागे थे ना डर के, बड़े फनी लग रहे थे। पंचम प्लीज। नहीं नहीं, मैंने उसके बाद तुरंत उन्हें समझाया और वो समझे भी, बुरा लगा उन्हें। और लेकिन पापा, आपकी भी गलती है यार, मतलब क्या जरूरत है इतना सुनाने की जीजी को हर बात पे, भला आदमी कितना सहेगा। तो इसलिए तू मेरी बेटी है या उसकी वकील है? पापा प्लीज, मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। तू बड़ी सच्चाई की मूरत बनी फिर रही है यहाँ पे गोलर खा के। सेठ जी, तुम मालिक हो, तुम्हारा काम है हड़काना, चाहे उसकी गलती हो चाहे ना हो। आज कढ़ाई फेंक के मारी है, कल पतीला फेंक के मारेगा, चूल्हा फेंक के मारेगा, सिलेंडर फेंक के मारेगा, मुंह पे तुम्हारे क्या कर लोगे? उसको अभी के अभी निकाल के बाहर करो, नहीं तो पूरे चांदनी चौक में चीखने की आवाज गूंजेगी तुम्हारे गुलर खा के। पापा नहीं। मैं छोड़ूंगा ना उस बर्तन को, अभी घर से बाहर निकालता हूँ। नहीं नहीं, लाइफ में टंटे को रखे। नहीं नहीं पापा, एक सेकंड पापा। अरे यार सुनो तो। अरे यार भागे चले जा रहे पापा। सॉरी, दरवाजा खोल। जीजाजी छत पर हैं। भाई सेठ जी और इलायची यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस समय? अरे यार ये कहाँ से चपक पड़ी भाई, मैं माथा फोड़ी ना कर पाऊंगा। मैं सोया करता था। हाँ, हाय हाय सेठ जी। जी सेठ जी, इलायची जी, आप यहाँ सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है जीजा जी। अगर सब ठीक है तो ये आने का वक्त है कोई? बहुत दिमाग खपा लिया मैंने, अब और ना चाहूंगा तेरी ये बदतमीजी। मैं तुझे इसी वक्त नौकरी से निकाल ले आऊं। चल निकाल यहां से, चल। सेठ जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सेठ जी आप ऐसे कैसे? पापा जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए ना। अच्छा, कढ़ाई ये फेंक के मार रहा मेरे ऊपर और तू मुझसे कह रही है कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ? सेठ जी ऐसी बात नहीं है, हम तो कढ़ाई पे अपना गुस्सा निकाल रहे थे, पर ना हमारी मजाल की हम कढ़ाई आपके ऊपर मारे। हाँ 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 जीजा जी, ऐसे आदमी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ पापा, ना तू इसकी वकील है और ना इस घर की मुखिया, तू नौकरी से निकल लिया है तो मतलब निकल लिया है बस। पापा प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो, बात सुनो, गुस्से में फैसला मत लो। सोचो एक बार इतने कम पैसों में काम करने वाला कहाँ मिलेगा, कौन दुकान संभालेगा इतने से पैसों में इतने से? वैसे कह तो तू सही रही है, काम कौन करेगा दुकान में? मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूँ बस। हाँ सेठ जी, अगर तूने फिर से कोई गलती की ना और ये बदतमीजी की मेरे सामने, तो फिर मैं तुझे ना छोड़ूंगा बस। समझ रहे? हाँ, ध्यान रखियो इस बात का। अरे इशारे भी नहीं समझते हैं। अरे क्या इलायची जी इशारे, अभी जो आप बिना बात की हवा भर रही थी ना हमारे अंदर, अगर फट जाती ना तो अभी हमारे हाथ से हमारी नौकरी निकल जाती। चुप रहो, बचाए भी तो मैं नहीं ना हमेशा की तरह।
और ये खसोटे ना, ये पापा का आइडिया नहीं था, खसोटे ने कान भरे हैं उनके, बदतमीज। अरे एलआईसी जी, जो भी है यार, हमें तो पता नहीं क्यों ऐसा डर सता रहा है कि हमारी ना नौकरी बस निकली हाथ से। तो कुछ नहीं होगा चीचा जी, मैं हूँ ना। देखो बस आपको इतना करना है, कुछ दिनों के लिए ना पापा जो भी सुना ना चुपचाप सुन लेना, है ना, फिर आपको नौकरी से निकालेंगे, मामला सुलझ जाएगा थोड़े दिनों में। चिल, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। यार भाई, आदमी चिल कैसे करता है यार, ये चिल क्या है ये? अब मुझे क्या पता, मुझे ये नहीं पता चिल क्या रहा यार। हालत खराब कर दी और फिर कह रहे चिल चिल। अबे खजोटे, अरे ये हटा, जरा बैठना तो दे, जगह ही तूने ना रखी है। देख रहा खजोटे, बेईमान आदमी को ऐसे काम ना मिलता है, समझ रहा है? सही कह रहे हो सेठ जी, गुलर खा के जितनी लंबी इसकी जबान है उतना छोटा इसका दिमाग है। टंग इज टॉल एंड माइंड इज स्मॉल, बक दिया होगा कुछ उल्टा सीधा मालिक को। अबे लोगों का ऐसी होता है बस, समझ रहा है तू? प्रणाम सेठ जी। आप सेठ जी, वो दरअसल हम सोच रहे थे कि आज दुकान जल्दी खोल देते हैं, साफ सफाई भी अच्छे से कर देंगे। अरे पहले अपनी जबान की सफाई कर ले, बात कर रहा है बेकार की है? दुकान की छोड़। सेठ जी, अगर आप कहें तो हम सोच रहे थे कि शर्मा जी के यहाँ से जाके बची हुई पेमेंट भी ले आते हैं। एक लड़के की पेमेंट कितनी बार लेके आएगा? और ये तू मुंह में जो शक्कर घोल रहा है ना, इतनी मत घोल, शुगर हो जाएगी, समझ रहा है? जा भाई जा, तू जा। जी सेठ जी। वो सेठ जी, तुम जानना चाह रहे ना कि मेरी नौकरी क्यों छूटी? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अबे मैंने तेरे मालिक से तेरे बारे में तो कोई उल्टा सीधा ना कहा है, मेरी वजह से क्यों चली गई तेरी नौकरी भाई? तुमने तो ना बतायो, पर मेरा मालिक तुम्हें कह रहा घटिया आदमी। कल जब रात को गए हो ना बारात में, तो वो कह रहा कि तुम एक नंबर की कंजूस हो, काइया हो, मक्खी चूस हो, वो पर ना सुनो गयो। मैं तो बात करी, वो शांत है या? मैंने अपने कान बंद कर लिए, मैं एक एक शब्द ना सुन पाऊंगा। मेरे सेठ जी चाहे कंजूस हो, चाहे मक्खी चूस हो, पर वो मेरे लिए देवता समान है। मेरी किस्मत ही खराब ही कि मैं उन्हें समझ ना पायो, उनकी कदर ना कर पायो। भाई को फल भुगत रहा हूँ आज, खाली बैठा हुआ हूँ, कोई काम है ही ना है। देखो एक बात तो है, तूने मेरी इज्जत हमेशा की, चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे यार, दुकान खोलने वाले में सेठ जी ने पहले ही धमकी दी, ये किसके जूते में? ओ हेलो, क्या कर रहे हैं बे? दिख रहा है पूजा कर रहा हूँ। अबे ओ, पूजा करने से तेरे पाप नहीं धुलने वाले, राखी से काय को कर रहे पूजा? अबे पाप अपने धो तू, चल बे हटे। अरे चल ना, क्या चढ़ जाए? अबे इसे पूछ के दुकान में घुसा तू? अबे ओए हैं, अबे हाथ हटा, क्यों मार रहा है इसे मेरे अंदर को? अरे मार नहीं रहे सेठ जी, देखिए ना ऐसे दुकान में अंदर घुस गया, पूजा कर रहा था। ओए विजेंद्र के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी दुकान में घुसने की? रुक जा, पिंकी अंकल को फोन करती हूँ अभी। एक मिनट, किसी को कोई फोन ना करेगा, समझ रहा है तू? सेठ जी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ से छोड़ नहीं छोड़ेंगे। अबे छोड़ेगा नहीं तो जाएगा कैसे? हाँ मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? इस दुकान से, इस घर से दूर। मैंने तुझे कल ही नौकरी से निकाल दिया था, अब इस दुकान में ही विजेंद्र काम करेगा बस। क्या पापा वैसे कैसे कर सकते हैं? मतलब इस चुंदर को नौकरी पर रख दिया आपने, कैसे कर सकते हैं ऐसा? क्यों कर दिया और रख भी लिया? तू नहीं दुकान था बस है कि जब तक कोई ना मिलता तब तक इसे रोक लो। वो सेठ जी आप ऐसा करेंगे, आप हमें सच में नौकरी से निकाल रहे हैं क्या? इलायची संजू, इलायची संजू, अरे जाना यार संजू यहाँ से। पापा यार ये क्या कर रहे हैं आप? ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? इतने गरीब है और ऊपर से एक जवान बीवी का बोझ है। अगर अपनी बीवी का बोझ ऐसा समझ में आ रहा होता तो अपने मालिक के सामने से मुंह ना खोलता।
अरे यार लेकिन पापा बहुत गरीब है ये लोग, पैसे भी नहीं है इनके पास। उसका इंतजाम मैंने कर दिया है, ले इस महीने की तनख्वाह, ये पकड़ 2000 रुपए और दफा हो जाए यहाँ से। मैं तेरी शक्ल भी ना देखना चाहता हूँ। पर पापा मेरी बात तो सुन। एक बार तू बीजो वकील मत बन, बस अब इस दुकान में ये विजेंद्र काम करेगा। है प्रणाम सेठ जी। खुजरा 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 आ जा बैठ, चल जा। चाय भाई मंगाऊ तेरे लिए? सेठ जी इकट्ठे पी लेंगे बाद में। हाँ चल ठीक है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे यार एलआईसी जी ये बताइए कि आप हमें पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों लेके आएंगे? आपने मेरे पापा पे कढ़ाई फेंक के मारने की कोशिश की थी, याद है? इलू तू पागल पागल हो गया क्या? मैं पिंटू जी को ना चक्की नहीं पीसने दूंगी। एलआईसी जी ए चुप करो यार, सबके सब ना ड्रामा क्वीन बने पड़े हो यहाँ पर। देखो जब तक पापा का गुस्सा शांत नहीं हो जाता ना, तब तक ये पिंकी अंकल का पुलिस स्टेशन ही आप लोग का ठिकाना है। ओके? क्या 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 जेल वेल में ना रह पाएंगे यार। ओके फाइन, तो आपके लिए ना हम 5 स्टार में ना एक रूम बुक कर देते हैं। ओके पिंटू जी। एक सेकंड रुक यार। हाँ एलआईसी जी शायद चलिए मान लेते हैं कि आपका बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल हमारे लिए, पर पिंकी जी हमारे फूफा थोड़ा ना रखे हैं जो हमें जेल में स्वागत करेंगे। स्वागत नहीं करेंगे तो करवाएंगे यार। मतलब ये देखो जो बंदा ना ओवर स्मार्ट होता है ना, उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दो ना तो वह सामने से आके आपको छोले भटूरे देता है। मुहावरा ठीक से नहीं बना क्या? आप बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है ना, चलो अभी सेटिंग कराते हो सबकी। चलो 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 देखें सेटिंग वेटिंग क्या है। तेरे वजह से हो रहा है सब कुछ। पिंकी दरोगा हाय हाय, कानून की व्यवस्था हाय हाय, पिंकी दरोगा हाय हाय। एक मिनट ना ना, मतलब ये सब क्या हो रहा है पिंकी जी के थाने में? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी अंकल है? ये हम नहीं बल्कि चांदनी चौकी पूरी जनता कह रही है। और मैं भी साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मैं भी उनसे यही कहता हूँ, आपके राज में ना सब कुशल मंगल है, ये बोल रहा था। पिंकी अंकल हम भी यही कहते हैं, बल्कि मैं तो इतना भी कहा सबसे कि पिंकी अंकल शक्ल से भले बेवकूफ लगते हैं लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। और भले ही पिंकी अंकल एक रसोईया हो, बहुत बड़े वाले दर्जी हो, पर एक काबिल दरोगा को भेस बदल के मुजरमों को पकड़ने के लिए हर कला में माहिर होना चाहिए, जो कि आप में है। हाँ 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 बिल्कुल सही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है ना, आप उसे बिना मदद के जाने ही नहीं देते हो। जी तुम बस पिंकी जी से ये बताओ कि पिंकी जी तुम्हारी कैसे मदद करे। पिंकी अंकल हाँ जी, वो ना पापा ने जीजा जी और पिंटू भाभी को घर से बाहर निकाल दिया है। ओहो क्या है ना, आप पिंटू भाभी और जीजा जी को रख लीजिए ना यहीं पे अपने थाने में। पिंकी अंकल पिंटू भाभी और जीजा जी को अपने पास रखने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चलो चलो फाइनल हो गया, आप लोग यहीं रहना। अरे नहीं नहीं एक मिनट ना ना, एक मिनट, तुम्हारा क्या कहने का मतलब क्या है कि मतलब हेल्प लेना ना पिंकी जी, मतलब ये जो पिंकी जी के थाने की डील है ना, ये पिंकी जी किराए में ना देते है। तुम्हें शायद पता होगा कि ये थाना हो रखा है, ये कोई धर्मशाला ना है जो ऐसे हेल्प कर देंगे। ना 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 देखो पंजाब, पिंकी जी कह चुके कानून कानून होता है ना, मतलब तुम लोगों ने ऐसा कोई गुनाह किया ना है जिसके लिए पिंकी जी तुम्हें ऐसे जेल के अंदर डाल दे, मतलब नियम भी कुछ नियम होते हैं है ना, मानने पड़ते भाई।
प्लीज दरोगा साहब। हाँ जी। जरा सा पीछे पीछे। हाँ जरूर एक मिनट ऐसे ठीक है ऐसे बहुत सही। दरोगा साहब। हाँ जी। करेक्ट पंचम। एक्सीलेंट। मंगेलाल जी इन दोनों को ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में हवालात में डाल दे जल्दी। जी साहब जी चले भाई चलो चलो चलो।